जन्मते ही नवजात बच्चों को झाड़ियों में फेंक गई निर्दयी माँ, पुलिस ने लगाया गले। दरभंगा जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां महज दो दिन के नवजात शिशु को जन्म देने माता पिता ने सड़क के किनारे झाड़ में फेंक कर फरार हो गए। नवजात शिशु कन्या का स्वरूप है, जिसे देर रात लगभग 1 बजे कड़वा गुमटी के पास सड़क किनारे झाड़ में रोते हुए पाया गया। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र से पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां से गुजर रही थी, उसी दौरान पुलिस की नजर नन्ही जान पर पड़ी। उन्होंने तुरंत थाना अध्यक्ष को सूचना दी और बच्चे को लेकर DMCH अस्पताल के शिशु विभाग में भर्ती कराया, जहां जांच में बच्ची एकदम स्वस्थ पाई गई। फिलहाल मासूम बच्ची के माता पिता का कुछ पता नहीं चल पाया है। बच्ची अस्पताल में है, पुलिस द्वारा बच्ची की देखभाल की जा रही है। जा रहे थे जी। जंगल से आवाज आया बच्चा का रोते हुए, जी। तो हम लोग गाड़ी से उतरे जी। फिर इधर उधर देखे, फिर अंदर गए तब देख रहे हैं कि बच्चा कपड़ा में लपेटा हुआ है जी। तब हम लोग उठाकर लेके आए। कंटिन्यू देख रहे हैं, तस्वीर में भी देख रहा है कि बच्चे को आप सटाए हुए अपने पास, बहुत ही प्यारा बच्चा है जी। थाना में से बोले कि चलो इसको DMCH में भर्ती करवाते हैं। डॉक्टर क्या बोले यहाँ पे? डॉक्टर अभी तो शीशा में उसको बंद किए हैं, बंद कर दिया है, इंजेक्शन लगाए हैं। रात भर के लिए कुछ इंतजाम है DMCH का अपना? हाँ, हाँ, है। अपना उनके लिए कुछ अटेंडेंट नहीं है DMCH की कोई व्यवस्था बच्चे के लिए? नहीं, वो लोग तो बोले कि आप लोग खुद उसको देखिएगा। तो आप लोग ही देखेंगे? हाँ, तो रात भर रहेंगे। हाँ, मैंने पब्लिक बताया, मैंने हम लोग जा रहे थे की तरफ जी, तो वहाँ पर लड़का था, वही बोला कि झाड़ी में पेशाब करने गए उधर, तो बच्चा रो रहा। बच्चा रो रहा, तो फिर आपने उठाया, अभी आप DMCS तक पहुँचाए हैं, क्या कुछ कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर तो कहा कि स्वस्थ है, इलाज चल रहा है। ठीक है, और यहाँ आपके कौन कौन से अधिकारी रहेंगे? अभी दो, एक मुंशी हैं थाना जी, एक सिपाही, तीन महिला सिपाही को यहाँ किस लिए रखा गया? क्यों देख रेख के लिए? और कोई लोग नहीं था? तो आपके टीम के कैसे? उनका कोई नहीं है, लवारिस बच्चा तो उनका कोई नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग प्रशासन विभाग ने उनको रखा गया, यहाँ पर दिया गया है महिला कांस्टेबल को जी, तो देख रेख के लिए। हम 112 के चालक पर हैं। अपनी तरफ से आप लोगों ने किया ये सब? इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल, हज उमराह ज्यारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम यह है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 की पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी इन्वॉल्वमेंट नहीं।